दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉसिल्स क्या होता है और उसके टाइप्स के भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों पहले हम बात करते हैं पैलेंटोलॉजी के बारे में। पैलेंटोलॉजी यानी अगर हम किसी प्लांट या एनिमल के जियोलॉजिकल पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। और जब हम यह स्टडी करते हैं तब अगर हमें कुछ प्लांट से एनिमल के ट्रेसेस मिलते हैं जो कि कुछ मिलियंस या बिलियंस ईयर पुराने रहते हैं तो उसे फॉसिल्स कहा जाता है। फॉसिल्स यानी दोस्तों कुछ प्लांट से एनिमल के डिकम्पोज होने के बाद अगर कुछ हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट या एनिमल सेडिमेंटरी रॉक्स में प्रिजर्व होते हैं और वह बिलियंस या मिलियंस ईयर के बाद पाए जाते हैं तो उसे फॉसिल्स कहा जाता है। दोस्तों फॉसिल जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड फॉसिलिस से डिराइव होता है। फॉसिलिस यानी टू डिग अप यानी खुदाई के लिए कहा जाता है। दोस्तों फॉसिल फॉर्म होने की प्रोसेस और उसके टाइप को बताने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने हमको बताया कि डायनासोर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं सब ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल, वरना हमने किसी ने थोड़ी जुरासिक पीरियड्स में जाकर देखा है कि डायनासोर्स कैसे रहते। तो रही बात फॉसिल्स बनते कैसे, जनरली फॉसिल्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोफॉसिल्स और मेगाफॉसिल्स। माइक्रोफॉसिल्स यानी छोटे, जैसे कि हम पोलन ग्रेन के साइज के भी इनको कह सकते हैं, और मेगाफॉसिल्स यानी 1 सेंटीमीटर के ऊपर तक के। प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, यह दो थ्योरी के बेसिस पर फॉसिल्स फॉर्म होते हैं, रिप्लेसमेंट थ्योरी और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। लेकिन इसे सिंपल वर्ड में रखे तो अगर कोई प्लांट या एनिमल के हार्ड पार्ट जैसे हम बोन्स कह सकते हैं CaSO3 से यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बने रहते हैं, इसे अगर वह सब इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल गई जो फॉसिल्स फॉर्म होने के लिए चाहिए, जैसे कि इस पे पानी आ गया और यह मिट्टी की लेयर में दब गई और हर साल बाद उस पे एक लेयर चढ़ती रही, तो मिलियंस और बिलियंस ईयर के बाद इसका फॉसिल्स फॉर्म होगा और यह एक सेडिमेंटरी रॉक्स में प्रिजर्व हुआ रहेगा। यह फॉसिल्स ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मिलियंस या बिलियंस ईयर पहले कोई बाढ़ या जैसे भूकंप आ गया हो, ऐसी कंडीशन में यह फॉर्म होते हैं। और फॉसिल्स वहाँ फॉर्म होते हैं जहाँ कोई माइक्रोबियल अटैक्स नहीं हो पाता और वह जैसे के वैसे रॉक्स में प्रिजर्व हो जाते हैं। फिर वैज्ञानिक इसे ढूंढ निकालते हैं और वह इसका स्टडी करके फॉसिल्स के स्ट्रक्चर से कौन से एनिमल या कौन से प्लांट्स की एंसेस्टर स्पेसिस है और वह कैसे दिखते हैं वह हमें बताते हैं, जैसे कि डायनासोर के बारे में बताया गया। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फॉसिल के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कि इम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, पेट्रीफैक्शन, कोस्ट, माउल्ड, कोल, एम्बर। लेकिन हम सिर्फ इम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन और पेट्रीफैक्शन के बारे में ही बात करेंगे। फर्स्टली जो हम बात करते हैं इम्प्रेशन, यह जो फॉसिल है इसमें उस प्लांट या एनिमल के पार्ट की शेप क्लियरली दिखता है, लेकिन उसकी सेलुलर डिटेल इस फॉसिल में पता नहीं लग पाती। इसे उस पार्ट की नेगेटिव प्रिंट भी कह सकते हैं जो कि सॉफ्ट क्ले के कांटेक्ट में आकर फॉर्म हुई है। ऑर्गेनिक मटेरियल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और दिखते हैं वो सिर्फ इम्प्रेशन। तो सेकंडली हम अब जो बात करते हैं कॉम्प्रेशन के बारे में। कॉम्प्रेशन में कोई बल्क मटेरियल सेडिमेंटरी रॉक्स के कॉन्टैक्ट में आकर कॉम्प्रेस हो जाता है और फॉसिल्स फॉर्म होते हैं, उसे कॉम्प्रेशन कहा जाता है। इसमें पूरी सेलुलर डिटेल्स नहीं पाई जाती लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल्स पाई जाती है, जैसे कि कोई फॉसिल्स का इपिडर्मल पार्ट हो। यह जो फॉसिल्स है वह लो टेम्परेचर और लो हीट में फॉर्म होते हैं। इम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन के बाद थर्ड जो टाइप है वो है पेट्रीफैक्शन। इस फॉसिल में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्टडी किए जा सकते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वह डिटेल फॉर्म में रहता है। इसे बेस्ट टाइप ऑफ द फॉसिल माना जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट होकर यह फॉसिल फॉर्म होता है। यह रहे फॉसिल्स के टाइप। दोस्तों साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली कि हम जिसे देख नहीं पाए उसे कम से कम समझ सकते, जैसे कि यह डायनासोर ही देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।